आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस में पूरे भारत में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। राधाकृष्णन एक अच्छे राजनेता होने से पहले एक प्रख्यात शिक्षक, महान फिलोसोफर, एक हिंदू विचार के थे। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव में तिरुमन्नी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वो गरीब जरूर थे किंतु विद्वान ब्राह्मण भी थे। इनके पिता के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेवारी थी, इस कारण राधा कृष्णन को बचपन से ही ज्यादा सुख सुविधा नहीं मिली। राधा कृष्णन ने 16 साल की उम्र में ही अपनी दूर की चचेरी बहन से शादी कर ली, जिनसे उन्हें 5 बेटी और 1 बेटा हुआ। इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल है, जो भारत के महान इतिहासकार थे। राधा कृष्णन जी का पत्नी की मृत्यु 1956 में हो गई थी। भारतीय क्रिकेटर टीम के महान खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण इन्हीं के फैमिली से बिलोंग करते हैं। देश के महान शिक्षक रह चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन बचपन से ही काफी प्रतिभावक और मेहनती छात्र थे। इनके अंदर चीजों को सीखने एवं समझने की शक्ति काफी प्रबल थी। उनकी विवेकशीलता देखकर कई बार लोग दंग रह जाते थे। डॉक्टर राधा कृष्णन विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। इनके बारे में उन्होंने काफी अध्ययन कर रखा था। डॉक्टर राधा कृष्णन अपने लेखों और भाषाओं के माध्यम से समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र के परिचय कराने का प्रयास किया। डॉक्टर राधा कृष्णन जी एक अच्छे राजनेता होने से पहले एक प्रख्यात शिक्षक, महान फिलोसोफर, एक हिंदू विचार के थे। डॉक्टर राधा कृष्णन प्रतिभा के धनी होने के साथ ही देश की संस्कृति को प्यार करने वाले व्यक्ति भी थे। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राधा कृष्णन से ये आग्रह किया कि वो राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ काम करे। डॉक्टर राधा कृष्णन ने 1947 से लेकर 1949 तक संविधान सभा निर्माण के सदस्य के रूप में कार्य किए। संसद में सभी लोग इनके कार्य और व्यवहार की बेहद तारीफ करते थे। डॉक्टर राधा कृष्णन अपने सफल करियर के बाद उन्होंने राजनीतिक में अपना कदम रखा। 13 मई 1952 से लेकर 13 मई 1962 तक वो देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल काफी चुनौती भरा था, क्योंकि जहां एक ओर भारत चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इनके काम को लेकर साथ को इनसे विवाद कम सम्मान ज्यादा मिलता था। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधा कृष्णन का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान हमेशा याद किया जाता है, इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधा कृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।